आई एम नरेंद्र कुमार शर्मा, आई एम स्टार्टिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 3, इट मीन्स वीडियो 2. टॉपिक इज सम प्लांट फाइबर्स. में दो प्लांट फाइबर्स होते हैं जो आपकी बुक में है, कॉटन और जूट. तो सबसे पहले हम कॉटन के बारे में जिक्र करेंगे. अब कॉटन का यूज कहाँ है, शर्ट में, जो हमारे दिए की बत्तियां होती हैं, यानी कि ऑयल लैंप्स वगैरह हो गया, उसमें विक्स बत्तियां जो यूज की जाती हैं वो कॉटन की बनी हुई होती है. बच्चों, ऐसी मैट्रिक्स गद्दे बनाने में, क्विल्ट रजाइयां बनाने में, पिलोज तकिए बनाने में और बहुत सारी चीजें बनाने में कॉटन का यूटिलाइजेशन होता है. बच्चों, यूज होता है. अब ये कॉटन जो है, क्योंकि प्लांट से, इसलिए इट इज ग्रोन इन द फील्ड, खेतों में से उगाया जाता है. जैसे फसल, मैंने आपको क्रॉप्स के बारे में बताया, क्रॉप्स के रूप में इसको कल्टीवेटेड किया जाता है. और इसके लिए जो आपकी ब्लैक सॉइल होनी आवश्यक है, जिसे क्ले सॉइल के नाम से भी जानते हैं. ब्लैक सॉइल को क्ले सॉइल के नाम से भी बच्चों जाना जाता है. और इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए, जो इंडिया में वार्म क्लाइमेट काफी. तो ये इंडिया के लिए भी सुटेबल क्रॉप्स है बच्चों. तो ये जो है ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट इसके लिए एसेंशियल है. तो अब देखिए, आफ्टर मैच्योरिंग द बाल ब्रश्ड ओपन एंड सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. अर्थात यहां हमारा कहने का अर्थ है कि प्लांट्स है बच्चों, जिसमें नीचे रूट्स होंगी और ये लीव्स हैं इसकी, और इस पर एक फ्रूट आता है बॉल टाइप का और लेमन जैसा आकार होता है उसका. लेमन जो है ग्रीन या येलो कलर का हो सकता है, लेकिन इस बॉल का कलर ब्राउन होता है. जब ये मैच्योर हो जाती है बच्चों, जब ये मैच्योर हो जाती है तो बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है, और उसमें हमें क्या दिखाई देने लगता है, कॉटन. अब कॉटन जो होता है, इसमें दो चीजें मिक्स होती हैं, कॉटन प्लस सीड. अब दोनों का अलग अलग उपयोग है. सीड जनरली एनिमल फूड के रूप में यूटिलाइज हो जाते हैं, और जो कॉटन है वो हमारे लिए क्लोथ वगैरह या दूसरे आइटम बनाने में यूज होता है. सो सेपरेशन इज एसेंशियल. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन फाइबर्स एंड सीड इज कॉल्ड गिनिंग. गिनिंग करना जरूरी है बच्चों. ये बाय मशीन के द्वारा भी हो सकता है, समझे, हैंड के द्वारा भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हैंड का कम यूज है इसमें, मशीन का यूज ज्यादा होता है गिनिंग करने के लिए. अब यदि इसके फील्ड को देखें बच्चों, तो ये ऐसे लगता है जैसे कि इसमें बर्फ हो, क्योंकि जो ये कॉटन होता है ये एक बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, आइस से मिलता हुआ कलर होता है इसका. फिर बच्चों, आपको बता दिया कि या तो मशीनों के द्वारा या हैंड के द्वारा गिनिंग किया जाता है. अब नेक्स्ट प्लांट है जूट प्लांट. क्या नाम बच्चों? जूट प्लांट. जूट प्लांट जो है जनरली एक प्लांट है, और जैसे आप देख रहे हैं इसमें लीफ है, ये रूट्स हैं. तो इसमें ये वाला जो पार्ट, इसको क्या कहते हैं बच्चों? मैंने पढ़ाया था कि इसको कहते हैं स्टेम. स्टेम इसका यूज किया जाता है, और इसका कॉटन का फ्रूट पार्ट यूज किया जाता है. ये क्या है? बॉल फ्रूट है. और इसका कौन सा यूज किया जाता है? स्टेम. स्टेम को कैसे यूज करेंगे? रेनी क्रॉप्स है ये, वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाली फसल है बच्चों. और इसमें क्या होता है कि जब मैच्योर हो जाता है प्लांट, उस समय इसको अपरूटेड किया जाता है. अपरूटेड करके इसे वाटर में इमर्स्ड किया जाता है, पानी में डुबो दिया जाता है कुछ दिनों के लिए. और जब ये सड़ गल जाता है, रॉट हो जाता है, उस समय इसका जो स्टेम का जो कवर है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, और उसे हाथ से हम उसको रिमूव कर लेते हैं. और जिसमें फाइबर होते हैं,
और इन फाइबर का उपयोग हम बोरियां बनाने में, चटाई बनाने में, समझे, मैट्स बनाने में और दूसरी जो है खाट में जो बान लगे होते हैं, खाट की बुनाई आपने देखी होगी, तो वो भी, या सुतली देखी होगी, वो सब किसकी बनी होती है, जूट की बनी होती है। तो जूट भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है बच्चों। और इस तरह से कॉटन एंड जूट आर द प्लांट है एंड वी ऑब्टेन द फाइबर एंड दिस फॉल इन द नेचुरल फाइबर्स। दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। थैंक यू बच्चों, इस वीडियो को देखते रहें ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो सके समय से। थैंक यू।